स्मिति मार्केट की ओर से अध्यक्ष नरेंद्र बालिया की अध्यक्षता में विशेष सम्मानित समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापार मंडल पठानकोट के नव नियुक्त अध्यक्ष राजेश पुरी व चेयरमैन अमित नैयर विशेष रूप से उपस्थित हुए। मौके पर समूह सदस्यों की ओर से उनका स्वागत हार पहनाकर किया गया। प्रधान नरेंद्र बालिया, प्रवक्ता मनु महाजन व रामा भंडारी ने संयुक्त रूप से स्मिति मार्केट की ओर से व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि स्मिति मार्केट के समूह सदस्यों की ओर से गठित समिति का उद्देश्य समाज हित व व्यापार हित कार्यों को करना है। उन्होंने प्रधान व चेयरमैन को समिति मार्केट के समक्ष पुराना बकाया वसूली को लेकर समस्या के बारे में भी अवगत करवाया। नवनियुक्त अध्यक्ष राजेश पुरी व चेयरमैन अमित नैयर ने समूह सदस्यों का धन्यवाद करते हुए कहा कि व्यापार मंडल का गठन ही व्यापारियों के समक्ष आती समस्याओं को हल कराने के लिए हुआ है। इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान करके दुकानदारों को राहत दिलाई जाएगी। वहीं उन्होंने उपस्थित समिति मार्केट के समूह सदस्यों को व्यापार मंडल के साथ जुड़ने और एकजुटता के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया तथा कहा कि एकजुटता से ही हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। अंत में अध्यक्ष नरेंद्र बालिया ने समूह उपस्थित मार्केट सदस्यों का धन्यवाद किया। इस मौके पर उनके साथ सुरेश गुप्ता, रामपाल भंडारी, राजेश भाटिया, टिंकू महाजन, मनु महाजन, अमित ग्रोवर, मनीष अरोड़ा, सुदेश महाजन, सन्नी अरोड़ा आदि उपस्थित थे। समिति मार्केट पठानकोट वालों एक जड़ी है कॉल का सद्दा दिता गया है, जिदे विच माननीय साडे प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन रोहित सियाल जी, व्यापार मंडल पठानकोट के प्रधान राजेश पुरी जी, पठानकोट व्यापार मंडल के प्रधान मनिंदर सिंह लक्की जी और नरेंद्र वालिया जिहड़े समिति मार्केट के प्रधान ने और समूह जिहड़ी व्यापारियों का इकट्ठ है समिति मार्केट का अज इत्थे इकट्ठा होया और जिहड़ी बड़ी चिर लंबित बड़ी देर तो एक मंग चली आ रही थी कि जिहड़े पंचायती विभाग वालों जिहड़े इन्हां नूं किराए लगाए गए ने और वो कई जिहड़े दुकानदार प्रा करोना की मार की वजह नाल कारोबार ना होने की वजह नाल किराए नहीं दे पाए सी, उहदे लई अज असीं जिहड़ी आ बड़ी निघी मीटिंग की आ और सानू जिहड़े रोहित सियाल जी ने आश्वासन दवाया कि बहुत जल्द जिहड़े आ DDPO पठानकोट नाल मीटिंग रख के जिहड़ियां भी मंगां ने व्यापारियां दीआं समिति मार्केट दे जिहड़े दुकानदारां दीआं मंगां ने किराए नूं लै के उहनूं बहुत कुशलतापूर्वक और जो ये चाहते ने दुकानदार भरा उस मुताबक जिहड़ा उहनां नूं सिरे लाया जाएगा। और एक बार फिर धन्यवाद करना चाहना समिति मार्केट के समूह सदस्यों और आए हुए व्यापार मंडल के और जिन्हें भी साडे प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन रोहित सियाल जी का कि एक मंग भी करने कि जल्द तो जल्द जी ये मंग उठाई गई है समिति मार्केट के दुकानदारों वालों उन्होंने जोड़ा हल किया जाए ता कि जोड़े लोग ने या कारोबारी ने इतने कारोबार कर रहे और भय की स्थिति के अपना जीवन बतीत कर रहे हैं कि पता नहीं डिपार्टमेंट वालों के लीगली उन्होंने एक्शन हो जाएगा। सो इसे आश्वासन के नाल असी अज व्यापार मंडल वालों भी जिहड़ा समूह व्यापार मंडल की टीम वालों भी आश्वासन दवाया कि कोई डरन की लोड़ नहीं है, बड़े अनुकूल माहौल दे विच तुसी काम करो, सरकार जिहड़ी गल है तुहाडी बहुत जल्द तुहाडे ही मुताबिक जिहड़ी मन्नेगी और इस कार्रवाई नूं अंजाम दिता जाएगा। जय हिंद, जय भारत। पठानकोट से ब्यूरो रिपोर्ट, AMI न्यूज़ पंजाब। Spread over 18 acres of land, a child's dreamland with colorful, attractive and well-concepted surroundings. Montessori Cambridge School, Pathankot is a co-educational senior secondary school with day boarding and hostel facility. CBSE affiliated school has classes from pre-nursery to class 12 with all three streams. Montessori wing is designed with rich learning material and scope for creative activities. Content of curriculum is carefully examined and delivered. Less able pupils in particular are motivated. All-round personality of a child is developed through smart classes, well-equipped labs and library. Extracurricular activities, competitions, stage, playfield and excursions. Activities at MCS are fun with purpose. Admission open from pre-nursery to class 11. A school that understands children. Montessori Cambridge School, Pathankot. We at St. Thomas Senior Secondary School offer supportive and inspirational environment for young inquiring minds to learn and grow with us.
Our passion for learning means we achieve more than outstanding results. We strive to build confident and creative thinkers and aim at delivering an education that is truly relevant to their future. We aim at inspiring our students to dream more, learn more, do more, and become more in their respective journey of life.